कंगना रनौत ने अमिताभ बच्चन को लेकर बोली ऐसी बात, नेटिजन्स ने उड़ा दी एक्ट्रेस की खिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों इलेक्शन को लेकर रैलियां कर रही हैं। अपनी एक रैली में उन्होंने खुद को अमिताभ बच्चन से कंपेयर कर दिया है, जिसके बाद जमकर ट्रोल हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजनीति में एंट्री ले ली है और अब लगातार लोकसभा इलेक्शन को लेकर रैलियां कर रही हैं। एक्ट्रेस को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से टिकट दिया है, जो कि कंगना का होम टाउन भी है। अब एक्ट्रेस की एक रैली के दौरान दी गई स्पीच वायरल हो रही है, जिसमें वो खुद को बॉलीवुड के सहनसा अमिताभ बच्चन से कंपेयर करती सुनी जा सकती। कंगना रनौत स्पीच में कहती हैं, सारा देश हैरान है कि वो कंगना चाहे राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं पश्चिम बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि मानो इतना प्यार और इतना सम्मान मैं दावे से कह सकती हूं कि अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई कंगना रनौत। कंगना रनौत की इस स्पीच पर सोशल मीडिया उनकी खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 15 फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ ने एक सोलो हिट जंजीर दी। उन्होंने एक सोलो हिट के बाद 15 फ्लॉप फिल्में दी, इसलिए वह फ्लॉप फिल्मों की संख्या के आधार पर अपनी तुलना अमिताभ से कर रही हैं, जो कि 15 हैं। यहाँ वह अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से कर रही हैं। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, अपने मुंह मिट्ठू होना इसे ही कहते हैं। केआरकी ने भी उड़ाया कंगना का मजाक। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, कंगना से अच्छा मनोरंजन करने वाला कोई राजनेता नहीं है, इसका ज्ञान और ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मुझे समझ नहीं आता। फिल्म क्रिटिक केआरके ने भी कंगना को ट्रोल कर डाला। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन साहब के बाद आदर सिर्फ कंगना दीदी को मिलता है, सच में ये कब से हुआ।